Hello dear students, in high voltage engineering we are covering breakdown in liquids. Today is lecture number 15 and we are going to cover another important topic of this unit, that is suspended particle theory. स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिले. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सस्पेंडेड पार्टिकल थ्योरी. स्टूडेंट्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स मीन्स द पार्टिकल्स विच आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी. यानी अगर मेरे पास लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल है, उस लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल के सर्फेस पे अगर कोई किसी भी टाइप का इम्प्योरिटी उस पर आ जाए, या फिर मैं बोलूँ अगर किसी भी टाइप का इम्प्योरिटी जिसकी डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी वीकर एज वेल एज स्ट्रॉन्गर हो सकती है एज कम्पेयर टू दिस लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल, अगर उस लिक्विड में डिजॉल्व हो जाए तो इन दैट केस we can say this is called suspended particle. Suspended particle theory में हम generally study करेंगे कि how they are going to disturb and how they are going to give impact on the breakdown strength as well as the force of the liquid dielectric material. स्टूडेंट्स, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल में इम्प्योरिटीज ऐड हो जाती हैं, और बहुत सारे टाइप के इम्प्योरिटीज होती है जिसमें कुछ कॉमन इम्प्योरिटीज के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ. लाइक कार्बन पार्टिकल्स हैं जो जनरली लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल में डिजॉल्व हो जाते हैं, सल्फर पार्टिकल्स हैं, कुछ आयोनिक इम्प्योरिटीज होती हैं जो जनरली उसमें डिजॉल्व हो जाती है फिर उसके सर्फेस पर डेवलप हो जाती है, मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड वाटर वेपर, ये काफी कॉमन इम्प्योरिटी है लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल का. जब भी टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, किसी भी टाइप का मॉइस्चर क्रिएट होता है, तो मॉइस्चर की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स जो बन जाते हैं, वाटर वेपर बन जाते हैं, जिसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफी वीकर होती है एज कंपेयर टू द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल. तो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉमन डिजॉल्व गैसेस. देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ गैसेस विच जनरली डिजॉल्व इन द लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल. तो ये जितने भी मैंने अभी पार्टिकल्स के बारे में बात करी, इंप्योरिटीज के बारे में बात करी, दे ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन द लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल. दो केसेस यहां पर बनेंगे स्टूडेंट्स. अगर मैं कमर्शियल लिक्विड की बात करूं जिसको हम जनरली यूज करते हैं, तो किसी भी टाइप की इंप्योरिटी को हम जनरली कंसीडर नहीं करते, स्पेशली सॉलिड इंप्योरिटीज को हम प्रैक्टिकली कंसीडर नहीं कर पाते. अब यहां पे दो टाइप के कंडीशंस बनते हैं इंप्योरिटीज की वजह से, जिसमें मैंने कंसीडर करा कि मेरे पास जो लिक्विड मटेरियल है उस लिक्विड मटेरियल की जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल की जो परमिटिविटी होगी दैट इज एप्सिलॉन 2, और मेरे पास जो मेरा लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल है, प्योर जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन 1. यानी यहाँ पे दो टाइप के कंडीशंस मेरे डेवलप हो रहे हैं. मैंने कंसीडर करा है कि जो भी मेरे पास इंप्योरिटी है, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल है, उसका रेडियस आर स्मॉल आर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई डेवलप हो रहा है इन दैट केस, और फाइनली जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल में इट विल बी 1/2 R² एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1/2 एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 एंड ग्रेडियंट ई स्क्वायर. स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां बात करूं एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 1 की, तो एप्सिलॉन 2 जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी इंप्योरिटी है उसकी परमिटिविटी है, और जो एप्सिलॉन 1 है मेरे पास लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिटिविटी है. यानी एप्सिलॉन 2 लिक्विड एज वेल एज सॉलिड किसी भी इंप्योरिटी पार्टिकल का परमिटिविटी हो सकता है. लेट्स इन फर्स्ट केस, मैं दो केसेस के बारे में यहां बात करने जा रहा हूं. फर्स्ट केस में मैंने कंसिडर करा कि एप्सिलॉन 2 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1, यानी जो मेरे पास जो इंप्योरिटी है उस इंप्योरिटी की जो परमिटिविटी है वो ग्रेटर एज कंपेयर टू द परमिटिविटी ऑफ अवर लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल. अब ऐसा अगर होगा मींस देयर विल बी हाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस और सर्वाइवल ज्यादा होगा मेरे लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल का, और ये तब पॉसिबल होता है जब सॉलिड पार्टिकल्स इंप्योरिटी जनरली एडेड होते हैं. लाइक छोटा सा एग्जाम्पल ले लू, पेपर टाइप ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स व्हेन एडेड इन द लिक्विड. केस 2 की बात करूं जहां पे एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 2, यानी परमिटिविटी ऑफ लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ इंप्योरिटी, यानी समहाउ इट इज गोइंग टू डिक्रीज द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल. और इस कंडीशन में क्या होगा, मेरे जो लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी परमिटिविटी चेंज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और ब्रेकडाउन जल्दी हो जाएगा. ये कब होते हैं, ये दो कंडीशन होते हैं, या तो वाटर ड्रॉपलेट्स उसमें मिल जाए या फिर गैस बबल्स मिल जाए. इस कंडीशन में सस्पेंडेड पार्टिकल थ्योरी के फॉर्म में मेरा लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिटिविटी को डिक्रीज करता है. तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें. अगर कोई सजेशन है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको रिप्लाई.